73वें स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देशवासियों को खबरची परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाइयां। राजीव भवन में राजस्व एवं आपदा मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों की समस्या सुनी। आपको बता दें, जयसिंह इससे पहले भी 3 बार मिलिए मंत्री से कार्यक्रम के तहत लोगों से मिल चुके हैं। मंत्री ने मुलाकात के बाद बताया कि प्रदेश में जहां भी बाढ़ की स्थिति है, वहां पूर्व में फंड जारी कर दिया गया है। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्था कर ली गई है। जिला के कलेक्टर, स्थानीय विधायक लगातार संपर्क में हैं। सभी जगह स्थिति नियंत्रण में है। वहीं बाढ़ से क्या नुकसान हुआ है और कब तक की स्थिति को आज कैबिनेट में रखा जाएगा। वहीं अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों के संबंध में मंत्री अग्रवाल ने कहा है कि सभी काम नियमों के मुताबिक ही होंगे। हमारी सरकार इस पर पूरा कार्य कर रही है। जहां भी प्लॉट काटेंगे या कॉलोनी बसेगी, नियमानुसार ही कार्य किया जाएगा। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जिला कलेक्टर को पूर्व में ही निर्देश दे दिया गया है। जहां भी बाढ़ की स्थिति है, वहां जो आपदा प्रबंधन की जो व्यवस्था होती है, और जिला कलेक्टरों को उसके लिए पहले ही फंड भेज दिया गया था। और कहीं भी अगर कोई तकलीफ आई है, मान लीजिए किसी को कहीं बाढ़ आई, तो उनको बाकायदा शिफ्ट करके उनकी भोजन की, रहने की सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खुद मेरे विधानसभा क्षेत्र में बालकों में एक दिन समस्या आई थी, तत्काल उसका निराकरण किया गया। आपका जो बस्तर साइड में जो जिले हैं, वहाँ ये समस्या है, वहाँ भी बराबर हम लोग कलेक्टरों से रोज़ उसकी जानकारी भी लेते हैं। हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य लकमा जी और वहाँ के विधायक, वहाँ के आपके प्राधिकरण के अध्यक्ष, सब लोग दौरा भी कर चुके हैं। नहीं, प्लॉट काटेंगे तो उसको अनुज्ञा प्राप्त करना है, और उसके जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक उसको टाउन कंट्री प्लानिंग उसमें परमिशन देगी। उसके बाद नगर पालिका निगम, उसका नगरीय निकाय क्षेत्र नगर पालिका निगम, उसका परमिशन आपको नक्शा पास करेगी। उसमें गलत नहीं कर सकता। प्लॉट काटें या मकान बनाएं, उसके जो निर्धारित नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक ही वो कर सकते हैं। उससे 1 इंच भी ऊपर कोई पास नहीं करेगा। अगर कहीं आपके संज्ञान में आता है तो बताइए, हम तत्काल उसकी जांच कराएंगे। उसमें रुकवा देंगे अवैध प्लॉटिंग। बिल्कुल, हमारी सरकार बिल्कुल उसमें सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए, किसी प्रकार की कोई अवैध प्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए। 1-2 जगह शिकायतें मिली थी, हमने तत्काल उसको रुकवा दिया था। खबरची न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट। नारायण नारायण।